बैक टू द न्यू ब्लॉग। टुडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे टू मी। एज यू नो, आपने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा, आज मेरे ऑफिस का लास्ट दिन है ऑफिशियली। तो ऐसे मैं शब्दों से आपको बयान नहीं कर सकता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है मेरे लिए। सच बोलूँ तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। ऑलमोस्ट 3.5 साल का मेरा जर्नी है मेरे ऑफिस में, और मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, अपने जॉब को क्यों क्विट कर रहा हूँ, और मैं कहाँ जाऊँगा, आगे क्या करूँगा, इन सब के बारे में ब्लॉग में बात करेंगे बाद में। तो अभी तो मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ। मैं सोचा था आज जल्दी ऑफिस चल जाऊँ, लेकिन लेट हो गया। तो अभी मुन्ना भी आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, नाश्ता करूँगा फिर जाऊँगा, और आज का दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगा ऑफिस में, क्योंकि आज मेरा लास्ट दिन है। तो कुछ कुछ काम है वो मुझे पूरे करने हैं। फटाफट नाश्ता करते हैं फिर ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में ढेर सारी बातें करेंगे, आपको मैं अपनी मेमोरीज़ के बारे में बताऊँगा, कुछ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। तो आज के ब्लॉग में बने रहिए। ऑलराइट, तो ऑफिस पहुंच चुके हैं और काम स्टार्ट हो चुका है। ये है सौरभ पॉल, बंगाली दादा, हमारे मैनेजर, नए मैनेजर। तो इसको मैं अपने काम में साइन कर रहा हूँ, इसको सिखा रहा हूँ। आई होप ये बेटर तरीके से कर ले, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है ये सब काम, आजकल के बच्चे हैं, कर ले तो अच्छा है। इन लोग हमेशा बाबू सोना में रहता है। तो आज मैं आपको अपने ऑफिस का छोटा सा टूर दूंगा। वैसे आपको पता ही है मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये नया ऑफिस है हमारा। मैं तो अपने ऑलमोस्ट 3.5 साल अपने पुराने ऑफिस में स्पेंड किए हैं। तो ये ऑफिस, ये हमारा शोरूम है। मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 10-20 दिन ही रहा, तो मैं ज़्यादातर अपना काम पीछे ही किया हूँ, बैक ऑफिस में, सर्विस सेंटर में, पार्ट सेक्शन में। और ये है हमारा सेल्स काउंटर, यहाँ पर इतने सारे बाइक लगे हुए हैं मेरे पीछे, और यहाँ पर कस्टमर आते हैं और हम गाड़ियाँ बेचते हैं। ये काम करते करते सिर्फ यो कर रहा है, काम करो अच्छे से। तो ये भाई साहब काम कर रहे हैं, लगे पड़े हैं। तो अभी हम आ चुके हैं अपने पार्ट सेक्शन में, यहीं पे मेरा सबसे ज़्यादा समय बीता है। मुन्ना भी आराम कर रहे हैं। चाय मिलेगा? हाँ, चाय पी लेगा। चाय नहीं मिला अभी तक। और ये है हमारा पार्ट सेक्शन और सर्विस सेक्शन। तो अभी यहाँ के कुछ पेंडिंग काम है, उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। ऑल दो आई विल मिस दिस प्लेस, मेरे काफ़ी साल यहाँ गुजरे इन लोग के साथ। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक ये ब्लॉग क्यों और मैं क्यों काम छोड़ रहा हूँ जो भी मैं करता हूँ। तो आप लोगों को पता होगा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरे कॉलेज खुल चुकी है। कोविड के वजह से 1 साल तो मैं कॉलेज जा नहीं पाया, 1 साल घर से ही पढ़ा हूँ। तो अब कॉलेज खुल गई है तो अब तो जाना होगा ना, और जो होता अच्छे के लिए होता है, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये सब डायलॉग मुझे याद आ रहे हैं। फिर आ चुके हैं अपने फ्रंट ऑफिस में, और ये बंदा से काम एक भी नहीं हो रहा ढंग का, सारा दिन अपने बाल से खेलता है। आज मैं सारा दिन आगे पीछे लग रहा, फिर जा रहे हम पीछे वाले ऑफिस में। ये है हमारे लालू भैया, इनको सबसे ज़्यादा मिस करेंगे, हम लोग साथ में मचाते थे। क्या लालू भैया, आज हम जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बुरा लग रहा है। आपका वादे कसम में मुझे याद रहेंगे, हम भी बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ रहे हैं चिन्ने। ये है पिंटू भैया, सबसे शरीफ आदमी, आधा टाइम तो आता ही नहीं है ऑफिस। फाइनली जाते जाते ये भी चीज़ सीख के जाएंगे। ये है मशीन, फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर, ठीक है, हम देखते हैं। ये है छोटा सा पार्ट, फ्यूल इंजेक्टर काफ़ी महंगा होता है किसी भी FI इंजन वाली गाड़ी का, तो ये इस मशीन में साफ होगा। अभी लालू भैया बताएंगे कैसे साफ होगा। छोटा सा पार्ट है फ्यूल इंजेक्टर। यहाँ पे हल्क ने सुसु कर दिया है, ये गाड़ी का कूलेंट गिर गया है। तो बज चुके हैं लंच टाइम, अभी जा रहे हैं हम और मुन्ना भैया खाना खाने के लिए। आज मैं लंच करने के लिए अपने पापा के होटल में आया हूँ, मतलब मेरा ही होटल है। अभी मैं खा लेता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। बहुत जल्दी कोई ब्लॉग बनाऊँगा इसके लिए, इसके ऊपर। और अभी जस्ट मुझे एक मैसेज मिला है कॉलेज से, मैं खुश हूँ या दुख समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सडनली चीज़ें हो रही है। और अभी किसी ने कमेंट किया है कि फ्रीलांस पर क्या होता है और शोरूम पर क्या हुआ, तो मैं खाने के बाद जवाब देता हूँ। टुडे आई हैव चिकन एंड राइस ओनली। तो हो गया मैं लंच कंप्लीट, और पीछे है मेरे होटल, मेरे पापा का होटल। बहुत जल्दी इसके ऊपर भी एक ब्लॉग बनाऊंगा, मैं अपने जर्नी के ऊपर। और एक सब्सक्राइबर ने मुझे अभी कमेंट किया है कि फ्रीलांस वर्क क्या होता है और शोरूम का क्या होगा। तो ये ब्लॉग से तो आपको शोरूम का क्या हुआ वो तो आपको पता चल ही गया, और फ्रीलांस काम क्या होता है मैं कैसे समझाऊँ। मतलब जैसे हम लोग काम करते हैं, मैं शोरूम में काम कर रहा हूँ तो मैं बस उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूँ, और कहीं काम नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फ्रीलांस में आपके पास अगर कोई स्किल है या आप कोई काम को जानते हैं और वो करते हैं, तो आप बहुत लोगों के लिए कर सकते हैं। लाइक अगर मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ
या तो मैं आपको अगर मुझसे काम करवाना है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और मैं आपके लिए भी काम कर सकता हूँ। तो बस फ्रीलांस काम मतलब आप एक काम को बहुत लोगों के लिए कर सकते हो अपने टाइम से। इतनी गर्मी हो रही है ना, शकल का पूरा बैंड बच चुका है। मम्मी ने आज फास्टिंग किया था तो वो कुछ खास बनाई नहीं, तो मैं सोचा होटल पे ही आके खा लेते हैं, तो खा लिया। अब चलेंगे ऑफिस, जो बाकी काम है वो करते हैं। और कॉलेज से नोटिफिकेशन आया है कि मतलब बहुत जल्दी कॉलेज पहुँचना है, एक एग्ज़ाम है, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है इतने जल्दी कॉलेज जा पाऊँ। मेरा कॉलेज चेन्नई में है तो बहुत सारे काम पेंडिंग हैं यहाँ के, तो पहले उसको निपटाना होगा। तो लेट्स सी क्या होता है, आई विल इन्फॉर्म यू। ये है प्रभात, आज ऑफिस से लेट आया था तो अभी मैं मिल रहा हूँ उससे। इसको मैं पर्सनली मिस करूँगा क्योंकि ये बहुत कम समय में बहुत अच्छे से काम कुछ सीख लिया, तो बहुत शार्प है इसका माइंड, अब अकेले ही संभालना है इसको पूरा। ये है मुन्ना भैया, मैनेजर हमारे। तो अब थोड़ा सा जाने का टाइम होने वाला है, ऑलमोस्ट 5 बज गए, 2 घंटा मुझे और बिताना है यहाँ पर, फिर तो इस जगह पता नहीं फिर कब आऊँगा। आकाश का ये लास्ट डे का लास्ट टाइम का वर्किंग देखो चालू है। आकाश कैसा लग रहा है? लेकिन दोस्त मिस करोगे? हाँ क्यों नहीं करेंगे, मिस करेंगे, याद कर लेंगे, फोन कर लेंगे आप लोग को। किसी को भी दिक्कत होगा आकाश हम लोग याद कीजिए, कोई भी सामान बस मैकेनिक वाला काम छोड़ दें। मैकेनिक लिया हम, मैकेनिक वाला काम सब देख लेंगे। ये रहा इसका वर्किंग, देखो आज अब से इसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, हम और आकाश ये शोरूम के लिए टाटा बाय बाय। क्या चूज, हमारा लास्ट दिन है, अनसरप्राइजिंगली मुझे पता चला इसका भी लास्ट दिन है, तो हम लोग सब मिलकर सब साथ में मिलकर केक काटेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। देखो ये रहा केक और ये रहा मेरा भाई। ठीक है, बहुत दिन से हम लोग एक साथ रहे, वाला मोमेंट आ रहा है। मैं आपको बताऊंगा, आपको मैंने पहले ही मेंशन कर दिया, 6 महीना से स्टोरी स्टार्ट हुआ था, 3.5 साल हो गए यहाँ पे, अब आगे देखते क्या होता है। छोटा भाई, हम दोनों का शक्ल मिलता है ऐसा लोग बोलते हैं। फाइनली घर पहुंच चुका हूं और आज का दिन समाप्त होता है यहीं पे। एंड थैंक यू सो मच मेरे सारे ऑफिस के लोग इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। थोड़ा सा मतलब मैं क्या बोलूँ, शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं, थोड़ा इमोशनल वाला फील आ रहा है, इतना दिन से कनेक्ट था मैं, लेकिन वो ये तो होना ही था एक दिन। तो अब आपके लिए एक अच्छा चीज़ हो गया कि आपको अब मेरे ब्लॉग्स कंटिन्यू मिलते रहेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं डेली ब्लॉग करूँगा अब, और जो भी मेरे साथ हो रहा है अब मैं उसको आपके साथ अच्छे से शेयर कर पाऊँगा। और बहुत सारे काम पेंडिंग है, उसको अब जल्दी जल्दी करना है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं कुछ दिनों में बाहर भी जा सकता हूँ, तो आप बने रहो, आपको तो पता चलेगा ही। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते जल्दी अपने अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।